बूढ़े बूढ़े भी खा रहे हैं, देखिए आंटी जी कह रही बूढ़े बूढ़े भी खा रहे हैं, आंटी का पोता भी साथ में खा रहा है और बेटा भी यहाँ पे। टेस्ट कैसा है? I think it's amazing, same as it was 23 years back. आप बता दो थोड़ा सा। कुछ भी खा रहा है अंकल के पास, टेस्ट इनके पास है और किसी के पास नहीं है। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं सेक्टर 7 में और एक बढ़िया चाट पापड़ी के लोकेशन पे, जगदीश चाट भंडार, और हमने देखा है यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है। अंकल जी वैन में लगा के बैठे हैं और 23 साल पुराना सेटअप है और बहुत लोग खा रहे हैं यहाँ पे, खाने आए बहुत लोग आ रखे हैं तो टेस्ट के। बूढ़े बूढ़े भी खा रहे हैं, देखिए आंटी जी कह रही बूढ़े बूढ़े भी खा रहे हैं और मज़ा आ रहा है आंटी को खूब खाने में, और आंटी के साथ आंटी का पोता है, पोता ही है ना, आंटी का पोता भी साथ में खा रहा है और बेटा भी यहाँ पे, सारे एक साथ मिलके खा रहे हैं, पूरी जनरेशन, तीनों जनरेशन एक साथ खा रहे हैं। अंकल जी कितना पुराना है अपना ये भाई? 23 साल हो चुके। यहीं पे लोकेशन यहीं पर है जब से। क्या क्या मिलता है? बल्ली पापड़ी, पापड़ी, गोलगप्पे, गोलगप्पे, दही बल्ले। शुरू से वैन में सेटअप है कि पहले कार्ट वगैरह थे? शुरू से वैन में। किस हिसाब से अंकल? जगदीश चाट भंडार द्वारका सेक्टर, सेक्टर 7 है, सेक्टर 7 रामपाल चौक। मैम आपका नाम? दिव्यानी। कब से आ रहे हो दिव्यानी खाने यहाँ पे? जब से स्टार्टेड 23 इयर्स प्रॉब्ली। कब से खा रहे हो आप, मतलब यही लोकल द्वारका के हो शुरू से? टेस्ट कैसा है? आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड इज सेम एज इट वाज 23 इयर्स बैक। मतलब जब भी गोलगप्पे पापड़ी कुछ भी खाना होता है तो ये जगदीश चाट। हाँ, मतलब नाउ आई स्टे इन गुड़गांव बट आज मैं आई हूँ तो फिर आई गुड़गांव से यहाँ स्पेशली आयो खाने के लिए के वैसे घूमने के लिए? मतलब आई स्टे हियर, मॉम डैड स्टेज हियर, बट आई वांटेड टू हैव गोलगप्पास हियर। गुड़गांव में ये टेस्ट नहीं मिलता? मिलता है बट इनका टेस्ट अलग है, डिफरेंट है, पुराना टेस्ट। यस। अंकल रेट के बारे में बताओ, क्या क्या रेट है? 80 रुपए का टिक्की एक प्लेट, 80 रुपए का है। दही भल्ले प्लेट 80 रुपए का। अच्छा। गोलगप्पे 30 रुपए के छह। आप देखो ये प्लस तो है, तब भी खाने आई है तो। अच्छा, इतना टेस्टी लगता है? टेस्टी है इसके लिए। तो आप रिव्यू तो देना चाहिए फिर आपको, तो चोट में भी खाने आए हो आप। अच्छा अच्छा है खाना। कब से खा रहे हो आप? सालों से। मतलब गोलगप्पे चाट पापड़ी कुछ भी खाना हो, भल्ला खाना हो तो यहीं पे आते हो? हाँ जी। टिक्की खाने भी? टिक्की खाने भी। आप बता दो थोड़ा सा। आपका नाम है? मंजू जी। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत टाइम हो गया, पहले हस्बैंड थे तो हस्बैंड के साथ आते थे। और टेस्ट को क्या रिव्यू देंगे आप लोग, आपका फेवरेट क्या है यहाँ पे? लाइक टिक्की और वो आते हैं प्लेट के अंदर आते हैं भल्ले, भल्ले और वो नहीं गोलगप्पे, वो दही वाले, दही गप्पे क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे। तो मतलब पूरे द्वारका में कभी खाना हो तो यही स्पॉट है आपका? एनी टाइम, यहाँ जरूर। आस पास ही रहते हैं? हाँ, मेरा तो वीकली चक्कर लगता है। वीकली आते हैं आप यहाँ पे खाने के लिए? बिल्कुल। और डॉक्टर को भी हैबिट पड़ गया खाने की, आपने इनको भी हैबिट कर दिया? तो अभी अगर इसका ये नहीं होता तो ये तो इतनी दूर से वॉक करके भी आती, हम लोग सेक्टर 22 से वॉक करके भी आ जाते हैं। अच्छा, वॉक करके आए तो? बिल्कुल। फ्रेंड्स ये सेटअप है जगदीश चाट का, छोटी सी वैन है और लोगों का रश, खाने के दीवाने हैं लोग यहाँ के, और ये टिक्की भी लगती है इनकी। आपका नाम? आदित्य। आदित्य कब से आ रहे हैं यहाँ पे? आई थिंक 13 इयर्स। 13 साल हो गए? 13 साल हो गए हैं। स्वाद के लिए क्या बोलोगे? टेस्ट बहुत अच्छा है। पहले हम लोग रहते थे जिम खाना क्लब रेस कोर्स के पास। अच्छा। तो मेरी सिस्टर आती थी यहाँ स्कूल में, तो मैं उसको लेके आता था, तब मैं अंकल का फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। तो जब से हम लोग यहाँ पे आते हैं तो लेके जाते हैं, तो हम लोग शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे द्वारका में। अच्छा। तो जब भी खाने होते हैं तो मैं यहीं पर ही आता हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ लेने के लिए। चाट पापड़ी खानी है, गूगल पे खाने, कुछ भी खाना है? कुछ भी खाना है अंकल के पास, टेस्ट इनके पास है और किसी के पास नहीं है। फ्रेंड ये है भैया का बोर्ड, जगदीश चाट भंडार, और ये हैं भैया जी, और ये बना रहे हैं अपने प्लेटें लगा रहे हैं। अंकल जी सारा कुछ घर में बनाते हो? जी घर में बनता है। चटनी वगैरह सब चीज़ें? सब पूरा टोटल। गोलगप्पे वगैरह सब चीज़ें? बिल्कुल। शुरू से जब से स्टार्ट किया है आपने 23 साल पहले, सब कुछ घर पे बन रहे हैं? 23 साल तक जगह तो हो गए। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको जगदीश चाट भंडार का ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही हिडन लोकेशंस, बढ़िया बढ़िया लोकेशन, बढ़िया स्वाद के साथ लेकर हम आते रहेंगे, तो बने रहना हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।